लखनऊ में भारी बारिश के बीच शुक्रवार तड़के 3 बजे बड़ा हादसा हुआ। दिलकुशा कॉलोनी में दीवार गिरने से 9 लोगों की दबकर मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सभी मृतक और घायल झांसी जिले के पचवारा के रहने वाले हैं। कैंट एरिया में आर्मी की पुरानी दीवार के सहारे झोपड़ी में रह रहे थे। नई बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य में लगे थे। डीएम ने बताया कि बाउंड्री वॉल के पास लोग झोपड़ी में सोए थे। रेस्क्यू देर रात ही पूरा कर लिया गया है। घायलों की हालत खतरे से बाहर है। सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर आनंद ओझा का कहना है कि सुबह 7 बजे 9 लोगों को लाया गया था। सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा 2 घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आर्मी कैंट के पास हादसा हुआ तो मौके पर रेस्क्यू के लिए आर्मी के जवान भी पहुंच गए। सीएम योगी हादसे में नजर बनाए हुए हैं। डीएम और पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए राहत राशि देने का ऐलान किया है। घायलों के बेहतर इलाज कराए जाने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। मृतकों के डिटेल्स: पप्पू पुत्र घनश्याम उम्र 40 वर्ष, मान भुवन देवी पत्नी पप्पू उम्र 40 वर्ष, प्रदीप पुत्र पप्पू उम्र 20 वर्ष, रेशमा पत्नी प्रदीप उम्र 22 वर्ष, नैना उर्फ भारती पुत्री प्रदीप उम्र 1 वर्ष, धर्मेंद्र उम्र 24 वर्ष, बीवी चंदा पत्नी धर्मेंद्र उम्र 22 वर्ष, 2 बच्चे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।